अभी से सब झूल रहा है, इसको ना मजा कहते हैं। अभी से भाई सब रेडी है। ये बन रहा है कोलकाता में मायापुर है, इस बार रावण जलने वाला है। नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि किस चीज़ पे वीडियो होने वाला है। वैसे आपका कमेंट भी आया था तो हम बोले थे कि हम बनाएंगे वीडियो। दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुका है, नवरात्र स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहता हूँ हैप्पी नवरात्रि 2023 चल रहा है इसलिए। और इस नवरात्रि में 15 अक्टूबर से नवरात्रि का पहला दिन था, आज है 16 अक्टूबर यानी कि नवरात्र का दूसरा दिन। कल भी हम बहुत जगह देखे थे कि कैसा तैयारी चल रहा है, उसके बाद सोचे कि बनाएंगे जब वीडियो तो अच्छा बनाएंगे। आज है नवरात्र का दूसरा दिन और अभी हम हैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास। और यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ का पंडाल सबसे अच्छा और सबसे भव्य होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब जगह का नहीं होता है, सब जगह का होता है। पूरे हाजीपुर शहर में, पूरे सिटी में दिखाएंगे आपको मेन पंडाल। आज हम कोशिश करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि कितना सुंदर पंडाल है, क्या मूर्ति है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। और ये जो है ना, ये बीट वगैरह रखा हुआ है पंडाल में बनने के लिए। आगे में पंडाल है, हम पीछे में मतलब बैकग्राउंड में। तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पंडाल कैसा है हाजीपुर रेलवे स्टेशन का। मूर्ति भी आपको हम दिखा देंगे, तो चलो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे जो पीछे स्टेशन का पंडाल बन रहा है, ये पूरा 80 फीट का पंडाल है भाई, ये देखो। तो इसका लगभग मतलब जो तैयारी है ना, बहुत लोग से पूछे हैं तो डिटेल्स वगैरह थोड़ा बहुत पता चला है। इसका जो लुक है, पूरा आइसक्रीम के स्टिक होता है ना, उससे तैयार किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा और कुछ दिन में तैयार भी हो जाएगा। तो आपको अब अंदर का मूर्ति दिखाते हैं कि कैसा है। तो गाइज, हम पंडाल के अंदर आ गए हैं और आपको अब दिखाते हैं कि माँ का प्रतिमा कितना भव्य और कितना सुंदर है। मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे जो कि गणेश जी का, और इधर देखो। वैसे भी माँ का प्रतिमा कितना भव्य होता है आपको पता है, ये दुर्गा जी, और भी बहुत अच्छा है, ये देखो। सबसे पहले तो इसका डिटेल्स आप जान लो कि 12 फीट का मूर्ति है और ये अभी पूरा पेंट होना बाकी है। पीछे में शंकर जी हैं। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे लोकेशन पे अपने शहर में और यहाँ का पंडाल और आपको मूर्ति दिखाते हैं कि कैसा है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये है सुभाष चौक संस्कृत महाविद्यालय, और यहाँ पे क्या है पता है, झूला पूरे शहर का यहीं पे लगता है, यहीं पे सब लोग झूला झूलते हैं। ये देखो मेरे पीछे बड़ा वाला झूला अभी उतरा है, उधर ब्रेक डांस है और उधर है नाव वाला और उधर है ड्रैगन वाला, मतलब सारा झूला है पंडाल यहाँ का जो है ना। अब दिखाते हैं आपको, ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये जो पंडाल है। तो ये जो पंडाल है ना सुभाष चौक के पास इस कैंपस में, ये बन रहा है कोलकाता में मायापुर है, जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है जो कि राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो वहाँ के डिजाइन से ये डिजाइन बनाया जा रहा है। तो वहाँ का जो डिजाइन है ना, वहाँ का कलर है वाइट कलर, मतलब गोल्डन टाइप में है, और उसके बाद कौन सा कलर है, स्काई कलर है, स्काई ब्लू टाइप में। तो वैसा ही देखो यहाँ पे भी तैयार हो रहा है, जो कि पीछे आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का है और उसके बाद स्काई कलर का गुंबद टाइप का बनेगा। तो ये पूरा लुक यहाँ का होने वाला है। और ये पूरा 100 फीट का है भाई पंडाल, और लगभग इसका बजट 15 से 20 लाख के तक का है। और ये देखो क्या एकदम तैयार हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट अभी पंडाल चल रहा है शहर में कि यहाँ का होगा, यहाँ का होगा। वैसे अच्छा है, बन रहा है। तो अब चलो, ज़्यादा डिटेल्स आप जान लिए, अब हम अंदर चलते हैं, आपको हम मूर्ति दिखाते हैं कि यहाँ का मूर्ति कैसा बन रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं पंडाल के अंदर, मूर्ति भव्य है, अच्छा है, मूर्ति होता है भाई, माँ का प्रतिमा है। और चलो अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी पेंट वगैरह नहीं हुआ। तो जितना भी अभी मूर्ति दिख रहा है, पेंट वगैरह नहीं हुआ है, बाकी सारा फिनिशिंग हो चुका है। तो अभी तो बहुत टाइम है, 8वीं 9वीं तक रेडी होगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो आप, वैसे झूला स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन देखिए बच्चों का मज़ा, अभी से सब झूल रहा है, इसको ना मज़ा कहते हैं। अभी से भाई सब रेडी है, सब झूल रहा है, जो भी कुछ तैयार है। और इधर है ब्रेक डांस। तो इसका प्राइस वगैरह अब क्या होगा ये अभी नहीं मालूम है, इतना मालूम है कि 50 रुपया से ऊपर रहता है, 70 रुपया 80 रुपया 100 रुपया हमेशा रहता है। और 4-5 झूला अभी आया है, सब रेडी होगा। और आपको पता है ना कि मेला लगता है 8वीं 9वीं 10वीं, तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो 2nd दिन है ना नवरात्रि का। तो ये रहा पूरा लोकेशन यहाँ पर, तो यहाँ का डिटेल्स ख़त्म, अब हम चलते हैं। एक यूनिक चीज़ बन रहा है बहुत दिन बाद, 3 से 4 साल बाद फिर से हाजीपुर में बन रहा है, वो आपको हम दिखाते हैं कि क्या बन रहा है। तो चलो अब हम अपने चलते हैं 3rd लोकेशन पे।
अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड लोकेशन पे, जहाँ का पंडाल बहुत भव्य होता है। और यहाँ के बारे में सबसे पहले आप पंडाल देखो, उसके बाद हम सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, जो कि पंडाल राजेंद्र चौक के पास तैयार हो रहा है। और मूर्ति तो अंदर में दिख नहीं रहा है, कहीं और अलग बन रहा होगा। ये देखो पंडाल। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे लोकेशन पे। तो चलो, तो अब हम आ चुके हैं अपने चौथे लोकेशन पे, जो कि बहुत ही यूनिक है। और आपको हम बता देते हैं, देखो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा, ये है रावण का तैयारी हो रहा है। लोकेशन आपको बता दें, कचहरी फील्ड में हो रहा है। और 3-4 साल से हो नहीं रहा था कोविड के कारण, लेकिन इस बार रावण जलने वाला है। सिर्फ एक रावण रहने वाला है, और वो भी 65 फीट का। ये देखो, ये अभी पूरा रेडी हो रहा है, पूरा रावण जलने का तैयारी हो रहा है। ये देखो, पूरा बांस वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो अभी काम चल रहा है पूरे बांस से। और ये लगभग विजयदशमी तक, विजयदशमी का काम है ना, तो अभी रेडी होने में टाइम है। ये देखो, तो ये रावण बनने का तैयारी हो रहा है। ये कचहरी फील्ड में देख लो आप, फील्ड इसी फील्ड में होगा विजयदशमी को, तो अभी बहुत टाइम है। और डिटेल्स वगैरह आपको हम बता दिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और इस बार दुर्गा पूजा बहुत अच्छा, बहुत भव्य, जिसको कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। हर बार होता है, इस बार भी बहुत अच्छे से हो रहा है, सब जगह हो रहा है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हाँ कहीं पे लगेगा कि नहीं, इस बार सब जगह अच्छे से पंडाल वगैरह लग रहा है, मूर्ति वगैरह बन रहा है। तो जो मेन था ना, वही हम आपको दिखाएं। बहुत सारा अभी भी है, लेकिन हम कोशिश किए कि जहाँ पे मेन है, जो हाईलाइट है ज़्यादा, उसको आपको दिखाते हैं। वैसे सब जगह तो बन ही रहा है, तो रावण का भी हम तैयारी आपको दिखा दिए हैं। तो बस विजयदशमी के दिन आना है और रावण जलते देखना है। सिर्फ एक रावण है, जो कि 65 फीट का है। तो चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और दुर्गा पूजा का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, अभी से सब्सक्राइब करके आप रखना, समझे, कमेंट करना। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि जल्द ही अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आने वाला है, गैजेट वगैरह, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो क्या आएगा। अभी प्लान बन रहा है, कोशिश करेंगे कि वो आ जाए, तब मज़ा आएगा भाई। तो चलो, ये पूरा तैयारी यहीं पे आपको फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर देना कि हाजीपुर में कैसा तैयारी चल रहा है दुर्गा पूजा का। चलो बाय।